सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। असम में सोमवार को जारी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन यानी NRC के फाइनल ड्राफ्ट पर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। इस लिस्ट से 40 लाख लोगों के नाम हटाए जाने को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने BJP की साजिश करार दिया है। ममता ने आरोप लगाया कि फूट डालो और राज करो की नीति के तहत धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को जबरन निशाना बनाया जा रहा है। ममता बनर्जी ने कहा, यहाँ कई लोग ऐसे हैं जिनके पास आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, लेकिन फिर भी उनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट से गायब है। लोगों का सरनेम देखकर लिस्ट से उनका नाम हटाया गया है। क्या सरकार जबरन उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कर रही है? वहीं केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मुद्दे पर राजनीति को लेकर विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया कर दिया गया। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय, सरकार ने उसपे कुछ नहीं किया। जो कुछ भी काम चल रहा है अंडर द सुपरविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट चल रहा है। इसलिए बार बार कहना कि सरकार ने यह कर दिया, सरकार बड़ी इनह्यूमन हो गई है, सरकार बड़ी ब्रूटल हो गई है, मैं समझता हूं कि इस प्रकार के एलिगेशंस, यदि मैं उसके कहूं कि इस प्रकार के एलिगेशंस बेसलेस हैं, तो यह भी कहना औचित्यपूर्ण नहीं होगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो भी लिस्ट इस समय पब्लिश हुई है वह लिस्ट फाइनल NRC नहीं है। अभी 2.89 करोड़ की NRC पब्लिश हुई है, इतने की पब्लिश हुई है। इसके बाद क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का पूरा अवसर मिलेगा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में चर्चा के दौरान विपक्षी पार्टियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा, मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूँ कि इसमें केंद्र की क्या भूमिका है? ये सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रहा है, ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति नहीं कर दीजिए कि हमारा इसमें क्या रोल है। मैं पूरे सदन से मैं कहना चाहता हूँ, ये विपक्ष के लोग निर्धारित कर दें हमारा क्या रोल है। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।